अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं मैं हूं मोहम्मद हसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर दुबई। दोस्तों आज हम कादिर भाई ऑयल परचेज़ करने जाएंगे, कुकिंग ऑयल, और साथ में आप लोगों को भी मार्केट का भी दिखाएंगे व्यू, और कहां से परचेज़ करते हैं, कितने का परचेज़ करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और खाने में क्या बनाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लें, अगर आप पुराने हैं तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वैसे भी आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो मुझे, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल काफ़ी ऊपर जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका शुक्रिया, आप सब भाइयों का शुक्रिया जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, जितने भी भाई मेरी वीडियो देखते हैं, थोड़ी बहुत देखते हैं, जितनी देखते हैं। मैं मानता हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी बहुत थोड़ी एडिटिंग वगैरह थोड़ी कमी उपेशी होती होगी, नए नए यूट्यूबर हैं, सीख रहे हैं, आप लोगों को भी सिखा रहे हैं साथ में, और हम लोगों को देख के कोई ऊपर भी आएगा वो भी अच्छा हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। आप लोगों का शुक्रिया, और इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आती रहेंगी, क्योंकि हम जहाँ ट्रिप पे जाते हैं कि घूमने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हम वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, ठीक है ना। मैंने लास्ट टाइम अब आज ही मैंने इसके ऊपर तकरीबन एक वीडियो अपलोड करी है, जो मेरी कंपनी का स्टाफ है, यानी कि जो हम कंपनी में काम करते हैं, जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ उसका स्टाफ है सारा, और उस उनके साथ मैं भी हूँ, साथ करते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं, हैं दुबई में और अच्छी मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से। तो आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हम भी थोड़ा सा यूट्यूबर बन जाएं। कोशिश तो कर रहे हैं और मज़ीद कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कुछ हम भी सीखेंगे, कुछ आपको भी सिखाएंगे, और अच्छी अच्छी चीज़ों एडिटिंग कैसे होती है वो भी मैं लाऊंगा। टेक्नीशियन, वैसे मैं टेक्नीशियन हूँ, मेरा काम इलेक्ट्रीशियन का है, लेकिन ये है कि मेरे पास अभी इतनी फैसिलिटी है नहीं कि जो मैं इलेक्ट्रिक के हिसाब से कुछ यानी कि बना पाऊँ कोई वीडियो, या कुछ मार्केट जाना होता है, वहाँ से सामान लाना होता है, फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करना होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग्स बनाऊँगा मिस्टर दुबई के नाम से। मिस्टर दुबई 90 मेरे चैनल का नाम है, 90। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। मैं आपको पंजाब का भी व्यू दिखाऊँगा, जब मैं पंजाब जाऊँगा वहाँ का भी व्यू दिखाऊँगा आपको, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। गांव का भी कल्चर दिखाऊंगा कि गांव किस तरह होता है और गांव में लोग कैसे रहते हैं, मवेशी कैसे होते हैं। मैं बेसिकली जनूबी पंजाब से हूं और मेरी लैंग्वेज सराइकी है, ठीक है ना, बड़ी मीठी जबान है सराइकी। अगर कोई सराइकी बरादर बैठे हूँ को भी मैं रिक्वेस्ट करे सा कि मेहरबानी कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। क्यों जो हूँ जरे उर्दू सुन वाले उन्हें दी समझ क्या ना लगती पी, लेकिन जरा सराइकी समझदा उसी हूँ दी समझ लग पे सी कि मैं क्या आला है और क्या नहीं आ क्या। इंशाल्लाह मजीद वीडियो आंदे रहे सन, तो सारे बिरामे को आदा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे सो। ये नवी आवाज सी, समझ बनो खिलो सी थोड़ा जहा, तो आखण का मतलब इंशाल्लाह अस इतें ही जरा वीडियो शूट करे सूँ और तो जरा इंटे बारे दसे सूँ और सब कुछ बारे समझे सूँ जरा कोई है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह जरे सरकी ब्राइन हुना को रिक्वेस्ट की कार है, ये देख सकते हैं, मैंने वो पहले भी दिखाने की बड़ी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं था, लाइट वाइट का मुश्किल था। ये देखें अभी आपको सही नज़र आ रही होगी, मोबाइल से शूटिंग कर रहे हैं, वहाँ कादिर भाई खड़े हुए हैं और ये मेरे बॉस की कार है। कितनी अच्छी है देख लें, अंदर से भी कितनी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों को जैसा हम जा रहे हैं तेल परचेज़ करने, क्योंकि कुकिंग ऑयल नहीं है, खाना बनाना है और लेकर आना पड़ेगा। ट्रक गुजरा है बिल्कुल हमारे बराबर से लेके गुजरा, वो देखो उसको तो तंग ही कर रहा था, अच्छा रोकने वाला है। ये बनी थी जब तुमने ये अर्ज़ किया कि हम तेल लेने आ रहे हैं, तुमने सोच रहा था पकाने का या लगाने का? नहीं नहीं यार, ये देखो गलत ले गया। कहते हैं कि हर इंसान नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ से सोचता है, ठीक है ना। अभी कादर भाई नेगेटिव सोच रहे थे
अंधेरा है नहीं तो ये तो हकीकत चीज है कि आप जब कोई वायरिंग करते हो फेस और न्यूट्रल दोनों साथ होते हैं। सही बात है, फेस और न्यूट्रल साथ होते हैं, लेकिन ये कि सेम मिसाल ऐसी है कि इंसान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचता है, दोनों लगता है, लेकिन तेल की बात है तो मैं मालिशी वाला तेल। मैं थोड़ी देर के लिए समझा यही था कि कादिर भाई अभी कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा बोलेंगे, लेकिन मैंने भी बोला कि हम कुकिंग ऑयल ले ले जा रहे हैं, बोला थोड़ी देर बाद बोला तो सही ना, नहीं बोला तो फिर बात नहीं बोला तो फिर बाद में बात होती है। आप देख सकते हैं ये सारी गाड़ियाँ और अच्छे बंदे भी आ रहे हैं, तेल लेने जा रहे हैं, कुकिंग ऑयल पकाने का, खाना बनाने का, और पका के खाएंगे और खा के सो जाएंगे। कौन सी मार्केट से लेते हैं? मार्केट तो करीब आई है, कैसे लें? ज्वेलरी से। नेक्स्ट यही वाली या आगे वाली चेक करते। ये देख सकते हैं आप, ज्वेलरी भी आ गई है, ये ज्वेलरी मार्केट है और ये हम हैं और हम जा रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा कुकिंग ऑयल लेते हैं। और कादिर भाई भी हैं, मैं भी इधर चेक करना है, चेक करता हूँ। मैं जी ये है ज्वेलरी मार्केट और अच्छी सी मशीन भी लगी हुई है और इधर इन लोगों ने ये भी लगा दिया और कादिर भाई ने बोला देख के स्कूटी भी खड़ी हुई है। हेलो जी, फाइनली मार्केट में पहुँचे, देखते हैं क्या मिलता है। ये कुकिंग ऑयल तो ढेर पड़े हुए, लेकिन कादिर भाई पूछ रहे हैं कितने का एडजस्ट कर लिया और अब जाके हम क्या बनाएंगे, भैंस को उतारेंगे, भैंस को नहीं उतारेंगे। और तेल परचेस कर लिया कितने का? 32 का। देखा कितना अच्छा है, कितना हमारा भाई अच्छा है, मैं इतना बड़ा मार्केट रखता है फिर भी 50 पैसे के लिए बात करता है। नहीं नहीं सही है ना, उतना लियो ना जितना बोला आपको। अरे 32 लियो खलास। देखो कम कर दिए 50 पैसे, मोहब्बत है आपसे, मोहब्बत ज्वेलरी वालों से मोहब्बत है, इसलिए उठ के रूम से उठते हैं ना, डायरेक्ट इधर आ जाते हैं, कहीं और जाते भी नहीं है। चिप्स खाने कौन से, ये वाले हैं यार, ये सही रहता है वैसे। ये कितने का है? ये कितने का है? ये यार वो मेरे को इतना मज़ेदार नहीं लगता, ये भी ले लेना, चलो तीन ले लेते हैं। फाइनली इंतज़ार कर रही है मार्केट से कोई कुछ लाएगा, कुछ नहीं ला रहा इस टाइम पर। कादिर भाई ने चिप्स दिलाया और हम खा रहे हैं। कादिर भाई ने क्या नाम है, अल्लाह ही तो खिलाता है, लेकिन तुम भी खिला रहे हो ना साथ में, यानी कि तुम भी खा रहे हो हमें भी खिला रहे हो साथ में। जुनैद भाई के लिए कुकिंग ऑयल भी ले लिया, फ्री में क्या एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, फ्री में, हाँ फ्री में, कोई यानी कि पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्री में। तो आप देख सकते हैं हम लोग अभी जा रहे हैं और जाते जाते चिप्स भी खा रहे हैं और कादिर भाई के हाथ तेल की बोतल आप देख सकते हैं कादिर भाई के हाथ में, ये कादिर भाई है। कादिर भाई चमक रहे हो यार माशाल्लाह, तुम मेरे को इतना वो नहीं था कि हम चमकेंगे, सनाइये में चमक रहे यार, क्या कर रहे हैं यार, चमकते गिर भी गया। बहरहाल हम लोग अच्छे हैं भाई, चिप्स खाते हुए भी जा रहे हैं, देख सकते हैं कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई गा रहा है, जैसे हम गा रहे हैं, हम घूमते हुए जा रहे हैं। ट्राला भी आ रहा है और काले में मज़ेदार था, फिर कहोगे तो खोलूँगा, नहीं तो वरना वही जाके लूँगा। अच्छा है, चीज़ वाला मैं वो पाकिस्तान से बेहतरीन है, 1, 2, 3 है। कादिर भाई हाँ कुछ कहोगे? खाने के टाइम पर कुछ नहीं बोला जाता, खाने के टाइम पर कुछ भी नहीं बोला जाता भाई, लेकिन मैं बोलूँगा क्योंकि मेरी टोपी है, सारा अंधेरा अंधेरा आ रहा है। वाह वल्ला से यू आर इंग्लिश गुड। दोस्तों तेल पहुँच चुका है किचन में, चावल इधर बाबर भाई के चढ़े में और अभी हम आएंगे थोड़ी देर में, हम बनाएंगे मसालेदार चावल और आपको खा के बताएंगे अभी हमारे कादिर भाई और जुनैद भाई। ये देखें चूल्हे के ऊपर चावल चढ़े हैं हमारे बाबर भाई के और ये तेल है। अब मैं जाऊंगा रूम में और सामान लेकर आऊंगा और फिर हम राइस बनाएंगे। मैं चने लेने लगा हूँ, ये चने हैं और चने का डब्बा डालेंगे उसमें। जुनैद भाई चिप्स कैसा था? अच्छा है,
फ्रिज में देखते हैं कि फ्रिज में क्या है। फ्रिज में है हमारा सामान, ये है हमारा सामान और हम जो है ना लेके जाएंगे। ये देखें शान को हम अभी भी याद रखते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेगा कादिर? चलो जी, ये देखें जेली जो हम सुबह नाश्ते में भी डबल रोटी के साथ खाते हैं, और देखें कलर है ये भी डालेंगे थोड़ा सा पुलाव के अंदर ना। वहाँ कादिर भाई मसाले भी तैयार कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, और बड़ा मज़ेदार बनने वाला आज पुलाव, और इसकी तारीफ जुनेद भाई करेंगे। जी हम लेकर आ गए थे, अभी प्याज को ब्राउन कर रहे हैं, समझ लें पुलाव टाइप का बना रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तैयार हो जाएगा तो आपको भी दिखाएंगे फाइनल इसका रिज़ल्ट। मार्केट से सिर्फ हम लोग तेल लेकर आए थे, बाकी सौदा हम पहले लेकर आए हुए थे, और हम लोगों ने जो है ना पहले से लेकर आए हुए थे, सब कुछ था, तो बाकी जो सामान नहीं था वो लेकर आए। कादिर भाई हमारे टमाटर काट रहे हैं, देखिए टमाटर कट गए, हरी मिर्च चने का डब्बा भी धो रहे हैं, और अभी फाइनली बना रहे हैं हम लोग, और जैसे बन के तैयार हो जाएगा तो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। फाइनली दोस्तों मैंने इसमें ना वो डाल दिया था, मसाला डाल दिया था, और अब मसाले को थोड़ा भूनना पड़ेगा, क्योंकि मसाले को नहीं भूनेंगे तो फिर आपको मालूम है ना कच्ची मिर्चों की स्मेल आएगी, तो इसलिए मसालों को भी भूनना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनना है। और हमारे चावल भी इधर एक साइड पर चावल रखे हुए हैं, लेकिन चावल के लिए चूल्हा चलाया नहीं, चूल्हे को ऑन करेंगे थोड़ी देर में। अभी ऐसा तैयार हो गया जिस तरह कोरमा बनता है ना, देना को बताया था ना लग जाता है नीचे, ये वाली चीज़ है, लगने लग जाता है। अगर किसी को इसका सलूशन पता हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि क्यों लगता है ये। कादिर भाई नमक डाल रहे थे, नमक डाल दिया कादिर भाई ने, और फाइनली ये अभी माशाल्लाह से तैयार हो गया है। इस तरह चिकन बिरयानी में कोरमा तैयार करते हैं ना, वैसे हम बनाते हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा आइडिया नहीं है, अगर पानी डालेंगे तो फिर वो कम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग बिल्कुल बिरयानी की तरह बनाते हैं। और अच्छा माशाल्लाह अभी रिज़ल्ट तो अच्छा आ रहा है इसका, कि आगे खाने में पता चलेगा कि क्या बने। माशाल्लाह कहें, क्योंकि खाना बना रहे हैं हम, खाएँगे। हाँ आप लोग भी जो है ना दुआ कीजिएगा हमारे लिए कि हम जल्दी से अपने मुल्क में वापस आ जाए। अपना मुल्क बहुत याद आता है, हर किसी को याद आता है, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, हर किसी को अपना मुल्क याद आता आ जाता है। कब याद आता है आपको बताऊं? एक सुबह उठते हुए जब
और जब खाना वाना पकाना होता है ना, जब मुँह ज़रूर याद आता है, लेकिन पहले का पता नहीं है कि याद आता है नहीं आता, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं ना तो भूल जो जरूर याद आता है। दूसरे नंबर पे ईद ईद के ऊपर हैं, बड़ी खुशबू आ रही है उसमें। खुशबू आ रही है, ये देखो हमारे रिजवान भाई आया और बोलते हैं खुशबू आ रही है। अभी तो मैंने सिर्फ चने डाले। नहीं, माशाल्लाह भाई बहुत खुशबू आ रही है, इनके हाथ में चाय का है, तो ये फनकार आदमी है। सही बात है, फनकार आदमी है हर चीज में। आए और चले गए और बोल के चले गए, बता के गए कि फनकार आदमी हो रहता और वैसा, और चले गए। वो भी खाना खा रहे, हम लोग यहाँ पे खाना बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। खाते तो वैसे सब साथ में है, लेकिन कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है कि जिसको जो चीज़ खानी होती है वो खा लेता है, और हमें आज खाने में चावल, तो हम चावल बना रहे हैं। तुम दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि कलर भी तैयार हो गया, कलर लगाएंगे तो दम लगा देंगे, थोड़ा कलर डालना है इसके अंदर ना, ताकि चावल थोड़े से वैसे हो जाए ना। तो डाल रहे हैं, नीचे तय लगा दी है, तो चावल देख सकते हैं आप, अच्छा चावल है, पाकिस्तान का चावल है। ये देख के सारे तेरे हाथ लाल लाल हो गए। तो ये है मज़ेदार चावल, पाकिस्तान का चावल है, खैबर नाम है ना चावल का, खैबर, पाकिस्तान का चावल है खैबर। और बिस्मिल्लाह बोल के ये डालेंगे, कैसे फैला फैला के डालना है, ऐसे ऐसे जैसे रायता मारते हैं चारों तरफ। बस यार काफ़ी है, ढक्कन दे ढक्कन। ये देखें हमने मार दिया, एक्स भी बना दिया, वी भी बना दिया, आई भी बना दिया, जो ये समझ में आएगा वो बता। ढक्कन ढक दिया, चूल्हा ऑन कर दिया, चूल्हे को स्लो आंच पे इसको हम रख। तैयार हो गया भाई, मिक्स करो ना। तैयार हो गया मटर पुलाव, ओ सॉरी चने का पुलाव, मटर पुलाव बोल रहा हूँ। बाबर भाई लोगों ने खाना खा लिया, हम खा रहे हैं। महमूद खा लिया खाना, खाओगे चावल अच्छे बने? नहीं हम लोग नहीं डालेंगे, चलो काफ़ी है। खाना खाएंगे अभी थोड़ी देर में। कादर भाई मिक्स कर रहे हैं, कादर भाई बिरयानी की खुशबू तो बड़ी लश आ रही है ना यार। माशाल्लाह से बन गया चावल, कैसे हैं खाने में? तो ये देखें बन गया, खुश करने के लिए अच्छा बनाया, खुश करने के लिए और बहुत अच्छा बना है, और शक्ल तो इसकी अच्छी बता रही है। खाओ भाई, पता पता बताओ तो सही है हमारे व्यूअर को। ऊपर से बैठ के फोकस करूं तो खा रहे हैं। ये देखो कादर भाई बोल रहे तुम ऊपर चले आओ, यानी मैं खाना नहीं खाऊँ इतनी, यानी कि मेहनत, अभी मेहनत नहीं बोलूँगा मैंने इस ऊपर जो वर्क करके आया हूँ, खाना नहीं दोगे क्या भाई को? बच्चे की तो रख देंगे, देख रहे हो यार। चलो खाना खा रहे हैं हम लोग। हाँ कैसा है? अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा है, अच्छा है। कादर भाई ने तारीफ़ कर दी, जुनैद भाई की तो पता ही नहीं है, जुनैद भाई भी उंगली क्यों कर रहे हैं, मज़ेदार बना इंशाल्लाह, अच्छा ही बना। मुबशिर पुत्र अच्छा है। अगर आप पुराने हैं तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, वैसे भी आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो मुझे, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल काफ़ी ऊपर जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका शुक्रिया, आप सब भाइयों का शुक्रिया जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, जितने भी भाई मेरे वीडियो देखते हैं, थोड़ी बहुत देखते हैं, जितनी देखते हैं। मैं मानता हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी बहुत थोड़ी एडिटिंग वगैरह थोड़ी कमी उपेशी होती होगी, नए नए यूट्यूबर हैं, सीख रहे हैं, आप लोगों को भी सिखा रहे हैं साथ में, और हम लोगों को देख के कोई ऊपर भी आएगा वो भी अच्छा हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, आप लोगों का शुक्रिया। और इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आती रहेंगी, क्योंकि हम जहाँ ट्रिप पे जाते हैं कि घूमने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हम वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, ठीक है ना। मैंने लास्ट टाइम अब आज ही मैंने इसके ऊपर तकरीबन एक वीडियो अपलोड करी है, जो मेरी कंपनी का स्टाफ है, यानी कि जो हम कंपनी में काम करते हैं, जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ उसका स्टाफ है सारा, और उस उनके साथ मैं भी हूँ, साथ में काम भी करते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं, हैं दुबई में और अच्छी मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हम भी थोड़ा सा यूट्यूबर बन जाएं। कोशिश तो कर रहे हैं और मज़ीद कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कुछ हम भी सीखेंगे, कुछ आपको भी सिखाएंगे,
और अच्छी अच्छी चीज़ों एडिटिंग कैसे होती है वो भी मैं लाऊंगा। टेक्नीशियन, वैसे मैं टेक्नीशियन हूँ, मेरा काम इलेक्ट्रीशियन का है, लेकिन ये है कि मेरे पास अभी इतनी फैसिलिटी है नहीं कि जो मैं इलेक्ट्रिक के हिसाब से कुछ यानी कि बना पाऊँ, कोई वीडियो या कुछ। मार्केट जाना होता है, वहाँ से सामान लाना होता है, फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करना होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग्स बनाऊँगा मिस्टर दुबई के नाम से। मिस्टर दुबई 90 मेरे चैनल का नाम है, 90। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। मैं आपको पंजाब का भी व्यू दिखाऊंगा, जब मैं पंजाब जाऊंगा वहाँ का भी व्यू दिखाऊंगा आपको, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। गांव का भी कल्चर दिखाऊंगा कि गांव किस तरह होता है और गांव में लोग कैसे रहते हैं, मवेशी कैसे होते हैं। मैं बेसिकली जनूबी पंजाब से हूँ और मेरी लैंग्वेज सराइकी है, ठीक है ना, बड़ी मीठी जबान है सराइकी। अगर कोई सराइकी बरादरदा बैठे हूँ को भी मैं रिक्वेस्ट करे सा कि मेहरबानी कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। क्यों जो हूँ जरे उर्दू सुन वाले उन्हें भी समझ क्या ना लगती पी उसी, लेकिन जरा सराइकी समझदा उसी हूँ दी समझ लग पे सी कि मैं क्या आला है और क्या नहीं आ क्या। इंशाल्लाह मजीद वीडियो आंदे रहे वे सन, तो सारे बिरामे को आदा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे सो। ये नवी आवाज़ है, समझ वो खिलो सी थोड़ा जहा। तो आखण का मतलब इंशाल्लाह असा इतना ही है जरा वीडियो शूट करे सूँ और तो जरा इन बारे दसे सूँ और सब कुछ के बारे समझे सूँ जरा कोई है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह जरे सरकी बिरान हूँ को रिक्वेस्ट करे सा जी मैं पहले की है वला वला आखण चंगी गाल कहनी समझ वजो भाई हो तुसा सारे एक भाई को सपोर्ट करे सो तारी मेहरबानी उसी, ठीक है। अल्लाह ताला खुश रखे तो अगू दो ही सबको याद रखा है। हूँ तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।